सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज डीजे आकाश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी मैं हूँ पुणे के नवड़े ब्रिज के पास एंड आज मैं आया हूँ ऐसे जगह पे जहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड खाना। तो आज का वीडियो पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर पहले अपडेट आती रहती है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से आने वाला है, ताकि आपको पता चलता रहे, बराबर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ पिज्जा बर्स्ट में, तो अभी चलते हैं अंदर एंड इनका फूड टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पिज्जा बर्स्ट होटल के यहाँ पे एंड यहाँ का एम्बियंस देख सकते हो, छोटा सा है पर काफी क्यूट है और काफी बढ़िया है। तो अभी टाइम था फूड टेस्टिंग का और फूड मेन्यू में आपको क्या क्या मिलेगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सूप से। तो सूप में आपको दो टाइप का ऑफ सूप मिलेंगे, फर्स्ट तो है मंचाओ सूप जो काफ़ी स्पाइसी होता है, और सेकंड जो है वो है टमाटो सूप। एंड उसके बाद आपको मिलेगा कोल्ड स्टार्टर्स और हॉट स्टार्टर्स। तो स्टार्ट करेंगे कोल्ड स्टार्टर से, तो फर्स्ट आप लोग ये देख लो, फिर बाद में आपको मैं प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस, हम लोग अभी चालू करने वाले कोल्ड स्टार्टर्स में। कोल्ड स्टार्टर में 20 टाइप्स ऑफ कोल्ड स्टार्टर मिलेंगे। तो भैया ये क्या है? ये सर डेटसन केबेज है। ओके, ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन, ये पास्ता आइसलैंड है। पास्ता आइसलैंड, आइसलैंड है। ओके, ये चीज मैक्रोनी है। ओके, ये अमेरिकन कॉर्न है। अमेरिकन कॉर्न, ये फ्रूट सलाद है। फ्रूट सलाद, ओके। ये ब्रूसली पास्ता है। ब्रूसली पास्ता, ये आपका फ्रूटी पास्ता है। फ्रूटी पास्ता, ये मिक्स सॉस पास्ता है। मिक्स सॉस पास्ता, ये आपका 1000 है। 1000 सॉस सलाद को ड्रेसिंग करने के लिए। okay, ये मेयोनीज है सलाद को ड्रेसिंग करने के लिए। ये मेयोनीज है और ये सॉस है। ये बीट रूट है, हेल्दी सलाद है। ओके, बीट रूट, हां। ये मिक्स चिपकी है। ओके, ये रशियन कुकुम्बर है। रशियन कुकुम्बर, ये आलू चाट है। आलू चाट, ये स्वीट कॉर्न चाट है। स्वीट कॉर्न चाट, ये सीजन नूडल्स है। सीजन नूडल्स, ये जीएसटी चिपकी है। ओके, ये स्पाइसी पास्ता है। पास्ता, ये चना चाट है। ओके, कूल। हॉट स्टार्टर में आपको 8 टाइप्स ऑफ हॉट स्टार्टर मिलेंगे। कौन से कौन से अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है फ्रेंच फ्राइज, ये पाव है, मिनी पाव। ओके, उसका साथ में ये भाजी जाता है। ओके, मंचूरियन है। मंचूरियन, स्प्रिंग रोल है। ओके, हक्का नूडल्स है। ओके, हक्का नूडल्स, ये व्हाइट सॉस पास्ता है आपका। हाँ, ये फ्राइड राइस है। ओके, सो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, तो अभी स्टार्ट करते हैं टमाटो सूप से। तो लेस टेस्ट टमाटो सूप, ये रहा टमाटो सूप। सो गाइस, अगर टेस्ट की बात करो तो टेस्ट काफ़ी अच्छी है, और एक बाइट लेते हैं। सो गाइस, टमाटो सूप तो काफ़ी अच्छा है, अभी मंचाओ भी ट्राई कर लेते हैं। ये रहा मंचाओ सूप। थोड़ा सा स्पाइसी है पर मज़ा आ रहा है खाने के लिए। टमाटो सूप के साथ थोड़ा सा मीठा टाइप है ना, तो ये स्पाइसी लग रहा ज़्यादा, पर मज़ा आ रहा है खाने के लिए। और एक बाइट लेते हैं। तो गाइस, अभी ट्राई करते हैं इन लोग का पानी पूरी। ये रही पानी पूरी, पूरी काफ़ी बड़ी है वैसी। पानी पूरी तो ठीक ठाक है, इतने कुछ खास नहीं मुझे लगी। और एक बैठ लेते। तो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल सलाड से। तो कोल सलाड में मैंने लिया है वाटरमेलन पास्ता नूडल्स और कोल्ड पास्ता ये, और कुछ कॉर्न से। तो
स्टार्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए। तो पहले कौन टेस्ट करते हैं? अगर कौन की टेस्ट की बात करूँ तो वो पास्ता में मिलाया गया, मतलब पास्ता मतलब जो सॉस रहता है उसमें मिलाया गया और मीठा है थोड़ा सा, तो टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा खाने के लिए। तो अभी ट्राई करते हैं नूडल्स। ये रखे हरियाणा, तो ये रहे नूडल्स। सो गाइस नूडल के टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी ये ठंडा है, तो गर्मी में ये ठंडा खाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी ट्राई करते हैं पास्ता। ये रहा पास्ता। गाइस इनके जो सॉसेस है ना वो काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा खाने को। तो ये वाइट कलर का पास्ता है, वो ट्राई करते अभी। ये एक्चुअली फ्रूट पास्ता था, बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स डाले हुए थे, काफ़ी बढ़िया है। और बैठ रहे थे तो अभी बचा है वाटर मिलन, वो भी खा ही लेते अभी। ग्रेट। तो गाइस अभी हम लोग ट्राई कर दे यहाँ के हॉट सलाद, तो उसमें मैंने लिया है एक पाव भाजी, एक स्प्रिंग रोल लिया था, वाइट से चीज़ पास्ता है और मंचूरियन है। तो स्टार्ट करते हैं मंचूरियन से। तो ये रहा मंचूरियन। मंचूरियन काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है। छूट के चक्कर में सब ठंडा हो चुका है, ये ब्लॉगर लोगों की लाइफ ऐसी होती है, सब ठंडा खाना पड़ता है। पर ठीक है, जो भी है टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो गाइस अभी मैं खाता हूँ मेरा फेवरेट वाइट चीज़ पास्ता। तो ये रहा वाइट चीज़ पास्ता। सो गाइस वाइट चीज़ पास्ता काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मज़ेदार है। और एक बाइट लेते। सो गाइस अभी हम लोग खाते हैं स्प्रिंग रोल। तो मैंने एक ही स्प्रिंग रोल लिया है, तो ये रहा स्प्रिंग रोल। सो गाइस स्प्रिंग रोल काफ़ी क्रंची है, पर ठंडा होने की वजह से थोड़ा सा कड़क हो चुका है, पर टेस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हमारा मिरिंडा बार आ चुका है, तो ये वन सर्विंग है, अगर आपको और लेना है तो वो चार्जेबल होगा, तो ये पी लेते हैं। सो गाइस जो मिनी पाव के साथ जो भाजी दी है वो भी ट्राई कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। तो ये है मिनी पाव और भाजी। इसका भी टेस्ट काफ़ी सही है। बढ़िया। सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं इन लोग की मेन चीज़ से, जो कि है गार्लिक ब्रेड से। तो ये रहा गार्लिक ब्रेड, ये चीज़ वाला गार्लिक ब्रेड है वैसे। तो अभी टेस्ट करते हैं। तो गाइस गार्लिक ब्रेड की टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी चीज़ी है वैसा। अल्टीमेट। तो अभी ट्राई कर दें इनका कॉर्न गार्लिक ब्रेड। तो ये रहा। सो गाइस इन लोग के जो भी दोनों गार्लिक ब्रेड है वो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है खाने के लिए। तो और एक बाइट लेते। ये रहा।
तो गाइज अभी ट्राई करते हैं यहाँ का सैंडविच। तो ये रहा सैंडविच, अभी ट्राई कर रहे हैं इसको। सो गाइज यहाँ के जो सैंडविच है वो काफ़ी अलग है, वेजिटेबल सैंडविच है वैसे ये, और पूरा ग्रिल किया हुआ है। और इनकी जो ब्रेड है ना वो काफ़ी अलग है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी थिन है, काफ़ी सही है। पर जो भी है मज़ा आ रहा है खाने के लिए। और एक बाइट लेते, बढ़िया है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है गार्लिक ब्रेड। तो और एक खा लूँ, तो अभी पिज्ज़ा भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा मिलेंगे और पिज़्ज़ा चेंज होते रहते यहाँ पे। तो पहले गार्लिक ब्रेड खा लेते फिर जाएंगे पिज़्ज़ा की तरफ, ठीक है। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ के पिज़्ज़ा से। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा मिलेंगे और हर टाइम ये पिज़्ज़ा चेंज होते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्राई करेंगे हम लोग जो है डबल लेयर पिज़्ज़ा, और ये है पनीर वाला पिज़्ज़ा वैसे। सुबह जगत पिज़्ज़ा की बात करूँ तो पिज़्ज़ा काफ़ी चीज़ी है और पनीर भी अच्छे खासे डाले हुए। तो ये रहा पनीर, काफ़ी बढ़िया है, और चीज़ भी है तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में डाला हुआ है चीज़, बढ़िया है। तो अभी ट्राई करते हैं मेरा फेवरेट और बहुत लोगों का फेवरेट मैगरेटा पिज़्ज़ा। ये कभी भी खाओ अच्छा ही लगता है, मज़ा आ रहा है खाने में। और अभी और एक बचा है वो है कॉर्न पिज़्ज़ा। वैसे ये थिन क्रस्ट है, देख सकते हो कितना पतला है। तो ये ट्राई करते अभी। ये ऑलिव वैसे मेरे को पसंद नहीं है, पर थिन क्रस्ट भी काफ़ी सही है, मेरे को उतना पसंद नहीं आता है पर टेस्ट में अच्छा है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मैगरेटा। तो अभी टाइम था डेज़र्ट खाने का, और डेज़र्ट में आपको मिलता है ब्राउनी और आइसक्रीम, एंड दोनों की टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया खा के। तो और ये 1 सर्विंग होती है, अगर आपको एक्स्ट्रा खाना है तो उसको आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, बाकी सब बढ़िया है। सो गाइस खा के हो चुका है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट थे वो है था गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा, एंड स्टार्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे और डेज़र्ट तो काफ़ी अच्छा ही था, मज़ा आ गया खा के। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टिल देन दिस इज डीजे कट्टू साइनिंग ऑफ। पीस, बूम, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।